खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। छावनी परिषद ने बिना अनुमति व अतिक्रमण कर बनाए जा रहे मकानों पर आज कार्रवाई शुरू की। बगैर परमिशन के बनाए जा रहे मकानों के खिलाफ परिषद ने मुहिम शुरू कर दी है। आज परिषद के अमले ने शहर के मेन स्ट्रीट के मकान नंबर 36 पर बन रहे पक्के निर्माण को तोड़ा। आपको बता दें, परिषद को कई दिनों से इस मकान के बारे में शिकायत मिल रही थी कि बगैर परमिशन से मकान निर्माण किया जा रहा है, जिसके बाद आज परिषद का अमला यहां पर पहुंचा और कार्रवाई की। यहां मकान के साथ साथ कॉम्प्लेक्स भी बनाने की तैयारी भी की जा रही थी। सूत्रों की माने तो नीचे की 3 दुकानों को मकान मालिक ने 55,000 रुपये में किराए से दे दी थी। महू शहर में छावनी परिषद के नियमानुसार भवन निर्माण के लिए G+2 मकान बनाने की ही परमिशन है। उसके बाद भी शहर में लोगों द्वारा नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए अब हम कैंटोनमेंट बोर्ड अधिकारियों की मिलीभगत से G+5 तक निर्माण करते हुए शहर में देखा जा सकता है। साथ ही अधिकारियों के मिलीभगत से कॉम्प्लेक्स और तलघर तक बना लिए गए हैं। आश्चर्य तो तब होता है कि रसूखदार नेताओं द्वारा लिफ्ट तक लगा ली गई है, लेकिन कैंटोनमेंट बोर्ड द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जो नियम के खिलाफ है। इस कार्रवाई के दौरान तीनों थाने का पुलिस बल तैनात था, लेकिन पूरी कमान छावनी परिषद के हाथों में थी। हमले ने यहां पर RCC की जमीन को JCB से तोड़ दिया। महू से कैमरा पर्सन सोनिया के साथ संजय वर्मा की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।